दुनिया में ऐसे कई रोचक और खतरनाक रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं गया है। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है पूर्वी कैलिफोर्निया में। एक रेगिस्तान है जिसका नाम है डेथ वैली। यह एक रेगिस्तान है जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म तथा सूखा स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ ना कुछ चौंकाने वाली चीज़ मिलती रहती है। इस जगह पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ चौंकाती है वह यह है कि यहाँ अपने आप खिसकने वाले पत्थर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ रेगिस्तान में पत्थर बिना किसी वजह के, बिना किसी मदद के अपने आप खुद से ही खिसकते रहते हैं। इनके इसी खिसकने की वजह से इन पत्थरों का नाम स्लाइडिंग स्टोन पड़ गया है। खुद ब खुद खिसकते ये पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है। यहाँ के रेस ट्रैक क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक खिसकते हुए देखा गया है। और ये ऐसा क्यों होता है इसकी वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी एक टीम बनाकर यहाँ के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक यहाँ पे टीम भेजी जिसने यहाँ पे खोज शुरू की। तो उस टीम ने क्या किया, उस टीम ने एक पत्थरों का ग्रुप बनाया और उसका नामकरण किया और उस पर 7 साल तक अध्ययन किया, 7 साल तक रिसर्च की उन ग्रुप के जो पत्थर थे। वहीं इनमें से कैरी नाम का पत्थर लगभग 317 किलोग्राम का था जो अध्ययन के दौरान बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कुछ साल बाद वापस लौटे तो उन्होंने अपने पत्थर को जब देखा तो वो पत्थर अपनी जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर पाया गया, वो भी पीछे बिना निशान छोड़े हुए, बिना किसी वजह के। मतलब ये कि वैज्ञानिकों ने जो पत्थरों का ग्रुप चुना था उस ग्रुप में एक पत्थर था जिसका नाम कैरिन था, जिसका वजन 317 किलोग्राम था, वो बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही रहा। लेकिन एक साल बाद जब वापस आके उसको चेक किया कि वो कैसा है, किस स्थिति में है, जब उसको देखा गया तो वो अपनी निश्चित दूरी से 1 किलोमीटर अधिक दूरी पर पाया गया। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी ठोस वजह क्या है, कोई वैज्ञानिक अभी तक इसका पता नहीं लगा पाया है। आखिर ये पत्थर अपनी जगह से खुद ब खुद कैसे खिसकते हैं, कैसे होता है ये सब, ऐसा क्यों हुआ, इसकी अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है। अगर ये पत्थर किसी जानवर या किसी इंसान के द्वारा खसीट कर ले जाया जाता तो वहाँ पर कुछ निशान होते हैं, कुछ घटना के सबूत होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन यहाँ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो तूफान आते हैं उस वजह से ऐसा होता है, शायद तूफान के कारण पत्थरों में कंपन उत्पन्न होता हो जिसकी वजह से वो हल्के हल्के मूव होते हों और अब शायद अपनी जगह से खिसक जाते हों। लेकिन ये जगह आज भी रहस्य है, इसके पीछे का ऐसा कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है कि किस वजह से होता है। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे प्रयोग भी किए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसकी वजह से इसका ठोस सबूत दिया जा सके कि इस वजह से ये होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यही है कि यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पर जो तूफान आता है उस तूफान के कारण, जो उस धूल मिट्टी उड़ती है उस तूफान के कारण, उस धूल मिट्टी के कारण पत्थरों में शायद हल्का हल्का कंपन उत्पन्न होता हो जिस वजह से मूव करते हों। लेकिन अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो इन तूफानों के कारण भी कोई पत्थर एक साल के अंदर 1 किलोमीटर कैसे विस्थापित हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए रहस्य में बनी हुई है, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है कि किस वजह से ऐसा होता है। तो ये थी पूर्वी कैलिफोर्निया के रेगिस्तान की छोटी सी कहानी। इसके बारे में आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।